जी, तो चैप्टर नंबर 3.2, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2, और इसके पहले तीन क्वेश्चन हमारे मिसिंग हैं जो हमारे कैलकुलेटर से होने थे। अभी कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हम सीखेंगे इनको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है। वो कह रहा है फाइंड द कॉमन लॉग ऑफ द फॉलोइंग्स। ये चार पार्ट्स हैं, इसके चारों पार्ट्स के हमने कॉमन लॉग्स फाइंड करने हैं। पहला नंबर है आपको जो दिया हुआ 232.92, इसका लॉग फाइंड करना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास एक बटन होता है, ये वाला लॉग का, ये बटन प्रेस कीजिए। और जैसे ये मैं यहां पे कर रहा हूं, ये लॉग का बटन है, लॉग का बटन प्रेस किया। उसके बाद जो भी नंबर है, नंबर क्या है 232.92, तो आप बिल्कुल इसी तरह टाइप कीजिए 232.92। लॉग का बटन आप पहले प्रेस कर चुके होंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो लॉग अपीयर हो जाएगा, ये लिखा हुआ LOG अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप नंबर ये टाइप कीजिए। तो नंबर टाइप करने के बाद मतलब 232.92, और उसके बाद ये इक्वल का बटन होगा, इसको प्रेस करेंगे, कॉर्नर पे दिया होगा, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक नया रिजल्ट आएगा जो कि एक्चुअली इसका कॉमन लॉग होगा 232.92 का। वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 2.3672। आपको हमेशा ही जब भी कभी लॉग ले रहे हो तो पॉइंट के बाद फोर डिजिट्स लिखना लाजिम होते हैं। फोर्थ डिजिट को आप राउंड ऑफ करते हो, राउंड ऑफ करने का मेथड हम कर चुके हैं। अगर तो फिफ्थ डिजिट 5 से बड़ा होगा तो फोर्थ डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, और अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो 1 ऐड कर देंगे फोर्थ डिजिट में, और अगर वो 5 से छोटा होगा तो फिर उस फोर्थ डिजिट को सेम ही रहने देंगे। जैसे अभी मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 2.36720, फिफ्थ डिजिट क्या है 0, तो इसलिए फोर्थ डिजिट में मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, उसको एज इट इज लिख दूंगा 2.36 72, और लास्ट में था 0। अब 0 चूंकि 5 से छोटा है इसलिए इसको इग्नोर करूंगा और इसमें कोई चीज ऐड नहीं होगी। सपोज ये 0 जो है ये 5 से बड़ा होता, इसकी जगह पे कोई भी नंबर 5 से बड़ा या 5 होता, तो फिर ये 2 को मैं 3 कर देता। इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये थर्ड जो थर्ड इसका है पार्ट, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, पहले लॉग वाला बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद ये नंबर टाइप कीजिए 0.00032 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा जो कि उसका लॉग होगा। बिल्कुल इसी तरह से इनके भी रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। मैं आपके लिए एक और कर देता हूं, जैसे मैं ये फोर्थ क्वेश्चन करता हूं, तो आप पहले लॉग प्रेस कीजिए, उसके बाद आप जो नंबर है उसको टाइप कीजिए, वो है 0.3206, इक्वल का साइन प्रेस कीजिए 0.3206 और इक्वल का साइन, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -0.4940, और लास्ट पे 3 है इसलिए राउंड ऑफ करने से यही आएगा। याद रखिए ये माइनस आएगा वो इसलिए, अगर तो कोई भी नंबर आपके पास 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा मतलब जैसे ये 1 से छोटा है 0.3, यानी 30% है, नॉट 100%, 100% से बहुत छोटा, 3 पॉइंट के बाद कुछ नंबर आ रहा है, अगर तो यहाँ पे कोई पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले कोई डिजिट होता तो पॉजिटिव वैल्यू आती, लेकिन क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ही कोई वैल्यू है, पहले 0 है, तो फिर आपके पास साइन नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी साइन नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ लॉग 31.09, वो उसने कुछ वैल्यूज दे दी हैं और आपको बोला हुआ है और बाकी कुछ वैल्यूज को फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इफ लॉग ऑफ, नंबर दिया हुआ 31.02 इक्वल्स टू 1.4926, देन फाइंड लॉग ऑफ 3.109, ये भी फाइंड करना है आपको पहले नंबर पे। फिर वो कह रहे हैं चार पार्ट्स से दिए हुए, मैं आपके लिए एक और कर देता हूँ, लॉग ऑफ 0. ये है फोर्थ पार्ट, लॉग ऑफ 0.3109। ऑब्जर्व कीजिएगा
क्वेश्चन में आपको उन्होंने क्या दिया है, 31.02 इक्वल्स टू दिस, यानी अगर ये नंबर है उसका लॉग लो तो आंसर ये आएगा, कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो यही आंसर है। अब ये उसने आपको एक हिंट दे दिया है, एक इंफॉर्मेशन दे दी, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको ये नंबर का भी लॉग लेना है। ये नंबर क्या है, 3.109, नॉट 31.02, आई गेस ये भी 09 है जी, ये भी 09 ही है। तो अब यहां पे क्या है, 3.109 मतलब ये क्या था, टेंथ्स में दिया हुआ है और ये क्या है, यूनिट्स में दिया हुआ है। अगर टेंथ्स में दिया हुआ है यानी आपको नंबर दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 90 तक, 100 से नीचे और 1 से ऊपर, अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है 10 से ऊपर और 100 से नीचे, तो वो उसके लिए तो ये। लेकिन अगर वो नंबर दिया हुआ है आपको यूनिट्स में यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, तो फिर ये इससे 10 टाइम्स छोटा हुआ, ऐसा ही है। अगर आप इस नंबर को 10 पे डिवाइड करो तो आपके पास रिजल्ट ये आता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई नंबर 10 टाइम्स डिक्रीज करेगा तो वो नंबर लॉग वैल्यू के अंदर 1 माइनस हो जाएगा। जैसे ये नंबर से ये नंबर 10 गुना छोटा है, तो इस नंबर का लॉग इससे कितना कम होगा, 1 माइनस करिए इसी में से, इसके लॉग में से 1 माइनस करिए तो इस नंबर के 10 गुना छोटे नंबर का लॉग आ जाएगा। जैसे आपके पास ये है, एज लॉग ऑफ 31.09 इक्वल्स टू 1.4926 एंड लॉग ऑफ 3.109 will be equals to 1.4926 minus 1. तो आंसर आ जाएगा log of 3.109 equals to 0.4926. आप इस नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और 0.4926 will be the log of 3.109. और अगर आपने इस नंबर का log लेना है तो इस नंबर का 10 टाइम्स छोटा नंबर ये है, मतलब 10 गुना छोटा ये नंबर है, तो फिर इसका जो लॉग है इसमें से 1 माइनस करें तो इसका लॉग आ जाएगा एज लॉग ऑफ 3.09 इक्वल्स टू 1.492। और इस नंबर को अगर आप 100 से डिवाइड कीजिए तो फिर आपके पास ये नंबर बन रहा है। देखिए इसी नंबर को अगर 100 पे डिवाइड कीजिए तो ये नंबर बन रहा है, मतलब ये हुआ कि इस नंबर का 100 टाइम्स छोटा नंबर ये हुआ। अगर ये इसका 100 टाइम्स छोटा नंबर है तो फिर 100 टाइम्स स्मॉलर है, इसका मतलब ये हुआ 10 टाइम्स स्मॉलर हो तो आप उस नंबर के लॉग में से 1 माइनस करते हो, 100 टाइम्स स्मॉलर हो तो फिर 2 माइनस करेंगे, 1000 टाइम्स स्मॉलर हो 3 एंड अप टू सो ऑन, 10,000 टाइम्स स्मॉलर होगा तो फिर हम उसमें से 4 माइनस कर देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें क्या माइनस करना है इसमें से, क्योंकि 100 टाइम्स स्मॉलर है तो 2 माइनस करेंगे। सो लॉग ऑफ 0.3109 will be equals to 1.492 minus 2, तो रिजल्ट आएगा फिर 0.508, आई गेस इतना ही है, हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जी माइनस 0.508, आप ऐसा कीजिए 1.492 में से 2 माइनस कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा 0.508। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉग्स आर, आपको कॉमन लॉग्स दे दिए गए हैं और अभी आपको फाइंड क्या करना है, वो एक्चुअली नंबर, यानी आपको ये चीज पहले क्या था कि ये दिया हुआ था, ये नंबर दिया हुआ था ये वाला, और इसका लॉग फाइंड करना होता है, लेकिन जो आपके पास ये आता है। अब क्या है कि ये नंबर आपको गिवन है और आपको ये नंबर फाइंड करना है, लॉग इक्वल की दूसरी साइड पे जाता है तो क्या हो जाएगा, वो लॉग का इनवर्स यानी एंटी लॉग। लॉग का इनवर्स क्या होता है, एंटी लॉग, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। अब आपके पास उसी कैलकुलेटर के ऊपर जहां पे लॉग का बटन है वहां पे एक शिफ्ट का बटन भी होता है, शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, फिर लॉग का बटन प्रेस कीजिए और फिर गिवन नंबर टाइप कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसी नंबर का, उसी लॉग का एक्चुअल नंबर जो आपको फाइंड करना है वो आ जाएगा। जैसे अभी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, फाइंड द नंबर हुज
क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड नंबर हूज कॉमन लॉग इज, उसका कॉमन लॉग क्या दिया हुआ है आपको, 3.5621. तो आप क्या कीजिए कि आपको कैलकुलेटर के ऐसे कॉर्नर के ऊपर एक बटन नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है शिफ्ट, यानी ये चीज लिखी हुई होती है शिफ्ट, और नीचे ऐसे एक बटन है, आप इसको प्रेस कीजिए, इस बटन को प्रेस कीजिए, और उसके बाद देन प्रेस लॉग, ये लॉग वाला बटन प्रेस कीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि यही नंबर डाल दीजिए स्क्रीन के ऊपर, टाइप कर दीजिए 3, 5, 6, 2, 1 इक्वल का साइन, प्रेस करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, शिफ्ट, उसके बाद ये लॉग, तो स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसे 10 लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ऐसे 10 लिखा हुआ नजर आ जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये नंबर प्रेस कर दीजिए 3.5621, तो आंसर आ जाएगा 3648, यानी 3648.3794, दिस इज आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, 5, 6 ये कर चुके हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे वो हम इस वीडियो के अंदर